मुकेश सहनी के। हाँ तो हम की भुटवा कहाँ जाते हैं? कमल छाप। कमल छाप। तो क्या मुकेश सहनी सही किए हैं या गलत किए हैं? मुकेश सहनी नहीं जीते हुए थे फिर भी मिनिस्टर बना दिया था मोदी। अच्छा गलती ना की मुकेश सहनी के ना जिता ना, हम नहीं वोट ना देंगे, अब देने वाला देगा अपना। अच्छा अच्छा। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। आपको बता दें कि हम लोग चुनावी सर्वे कर रहे हैं। नाम क्या होगा? नाम मोहनलाल कहते हैं लोग। मोहनलाल। टाइटल जातीय जनगणना आपका हुआ था? जातीय जनगणना हुआ कि ना हुई नहीं कहेंगे। नहीं जातीय जनगणना नहीं हुआ आपका? यहाँ तो अच्छा, किस जातीय जनगणना में कौन से जात हैं आप? हम निषाद हैं। निषाद हैं। अच्छा निषाद है, तो पहले मुकेश सहनी जी मोदी जी के साथ थे, अब लालू जी के साथ आ गए हैं। तो क्या मुकेश सहनी सही किए हैं या गलत किए हैं? मुकेश सहनी नहीं जीते हुए थे फिर भी मिनिस्टर बना दिया था। अच्छा, मोदी। अच्छा गलती ना की है तो सही किए हैं? गलत किए हैं। हाँ इस मोदी को हराने के लिए। तो मोदी को हराने के लिए मुकेश सहनी आरजेडी में आए हैं? हाँ नहीं नहीं, आरजेडी लिए आए, उनको वीआईपी पार्टी ना है। अच्छा मोदी के पार्टी में इनको तवज्जो नहीं मिली। अच्छा तो अभी हाँ मोदी जी के लालू यादव के चाहे तेजस्वी यादव इनको रख लिया, तीन को सीट दिया है। अच्छा तीन को सीट दिया है, तो तीन को से आप खुश है कि नहीं? हमको खुशी से, हम लोग जात पात नहीं करते हैं। अच्छा तो आप किनको देंगे वोट? किनको देंगे? हाँ मोदी जी को कि मुकेश सहनी को? नहीं नहीं मुकेश सहनी जीतने वाले नहीं ना है। मुकेश सहनी जीतने वाले नहीं है, बड़ी बात कर रहे हैं चाचा, कैमरामैन फोकस करेंगे। तो मुकेश सहनी नहीं जीतेंगे, तो मुकेश सहनी गलती किए हैं कि नहीं जीतेंगे? उनको तो सोच करके जाना चाहिए। सोच को जाना चाहिए। आरक्षण की बात करते हैं। अच्छा तो आरक्षण तो हम लोगों को मिला बहुत पहले ही। अच्छा हम लोगों को मिला 12%। अच्छा अत्यंत पिछड़ा को। अच्छा अब आज आरक्षण किया होता उनको मालूम नहीं होगा। अच्छा जिंदगी पर आए और आपत्ति हैं फिल्मी जगत में। अच्छा उनको क्या मुकेश जी को पता लगे कि यहाँ क्या आरक्षण होता है, क्या कथी होता है? अच्छा तो आरक्षण उनको पता नहीं है। अब मोदी जी के साथ थे तो उनको आरक्षण पता था? मोदी जी के साथ, मोदी जी इधर आए हैं। अच्छा। हम तो कह दिए कि हम 87 वर्ष के हैं और हम 18 वर्ष हो गया पेंशन लेते हुए, हम रिटायर किए 2000। लालू जी के साथ है मुकेश सहनी आ गए तो काहे नाराज बड़ी? जात पात हम नहीं करते हैं। जात पात नहीं करते हैं, सीधा मोदी जी को देखते हैं। हाँ। देश के लिए मोदी जी क्या किए? ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो चंदा के धंधा का काम कौन किया है? चंदा के धंधा का काम कौन किया है? आ घोटाला कौन कौन किया है? अच्छा है? जो केस चल रहा है। अच्छा जो अच्छा चाचा सही पकड़े हैं, अब गे लालू जी किए हैं और उनका नाम का ले लेंगे। अच्छा के किए हैं? तो इसमें तो कांग्रेस वाले भी हैं। कांग्रेस वाले भी है घोटाले में? ये हैं अखिलेश यादव भी हैं। अच्छा लालू जी को उनका लगा बराबर से लालू जी को वोट देते आए हैं। अच्छा हाँ लालू जी आप लोगों के लिए कुछ किए कि नहीं? किए कि बोलने चालने का अधिकार दे दिए। तो इससे बड़ा अधिकार क्या चाहिए? हाँ तो वो ठीक है। अच्छा चलिए, और हमारे बगल में चचा हैं, आए हुए मजदूरी करके मेहनत करके, बहुत मेहनत किए हैं आप चचा। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रिका सहनी। चंद्रिका सहनी। हाँ तो मुकेश सहनी के जन लाई? हाँ चिन्ह लें तो मुकेश सहनी के। हाँ तो हम की भोटवा कहाँ जाते? कमल छाप। कमल छाप। कैमरामैन हमारे फोकस करेंगे मुकेश सहनी से, काहे नाराज बड़ी है? ना ना हम का खिया रहा है, दे रहा है सब कुछ, आप मुकेश सहनी का लालू प्रसाद को काहे देंगे? अच्छा काहे देंगे? अब अगर मुकेश सहनी जी हार जाएंगे तो कौनो नहीं रखेगा, तो सहनी के हक के आवाज कौन उठाएगा? उसमें से काहे भागे, भाजपा में से काहे भागे? अच्छा मंत्री काहे पद छोड़े? मंत्री पद काहे छोड़े हुआ? अच्छा काहे भागे? कहे कि हमको अधिकार दीजिए, अधिकार दूसरा जगह चुनाव लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे, मेरा अधिकार है। इतना जल्दी अधिकार उनका मिल जाएगा? इतना जल्दी हड़बड़ाए ले नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, समय लगता है इसमें अधिकार लेने के लिए, समय लगता है। हाँ अच्छा तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो लालू जी के साथ जाके बड़ा गलती किए हैं। तो गलती तो किपे किए हैं, भाजपा में जाना चाहिए। भाजपा के साथ ठीक थे, आरक्षण के बाद भाजपा के साथ करते थे तो सही करते थे कि गलत करते? सही करते थे वो। लालू जी कहीं आरक्षण दे देंगे उनको साथ रख के कहलामी देवे जाएगा? हाँ। लालू प्रसाद 15 साल रहा था, कहाँ दिया कुछ हो? कुछ हो नहीं,
अब बोलने की आवाज कौन दिया? दिया था बोलने के लिए ना। अच्छा। तो कहा कुछ किया? कुछ नहीं, कुछ ना किया। अच्छा, तो हम की मुकेश सहनी के ना जिता नहीं वोट ना देंगे, अब देने वाला देगा अपना। अच्छा अच्छा, और भाई साहब लोग हैं यहाँ पे, नए जवान और नए युवक, देश के भविष्य वक्ता, क्या भाई साहब क्या हालचाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया है। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। विकास कुमार, विकास कुमार सहनी जी, सहनी सहनी की सन ऑफ मल्ला। मुकेश सहनी को जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं? जानते हैं, युवा जानता है। संकल्प यात्रा उनका देखे थे? क्या नहीं देखे थे, देखे थे। सपोर्ट किए थे? क्या नहीं करेंगे सपोर्ट कर। अब आरजेडी के साथ आ गए तो सपोर्ट करिएगा, बहुत अच्छा बात है। आरजेडी के साथ आ गए तो। तो और चाचा लोग बहुत नाराज है? नाराज है, कोई उनका कोई मतलब ये चीज़ का कोई दुख हुआ होगा इसलिए नाराज है उसी से। अच्छा, हम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, नाराज नहीं है। नहीं है आप नहीं? आरजेडी में आए हैं तो और बड़ी खुशी की बात है ना। खुशी की बात है, आप लोगों का आरक्षण ले लेना है, क्या बात है। तो ये जो इनसे उम्मीद है लालू जी से? क्यों नहीं उम्मीद है, जब पार्टी में लाए हैं और उनको सीट दिए हैं, बुलाए हैं। तीन को मान सम्मान मिला है इनको? मान सम्मान बात सीट की नहीं है, बात मान सम्मान की। सही बात, 50 सीट दे दे और मान सम्मान कुत्ता जैसा हो तो फायदा क्या है उसका। बात तो सही, तो वो चाचा बोल रहे हैं कि बल ठीक थे। देखिए वो हमारे बाबा हैं, ठीक है, हमारे बहुत मेरे फादर से भी ज़्यादा एज के हैं, ठीक है, उनके एज लगभग 90 के आसपास पूरा हुआ, तो वो अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं। आरजेडी के साथ आके गलत किए मुकेश सहनी, चाचा का कहना है। देखिए उनको जो समझ में आ रहा है वो अपने तरफ से सोच रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से, हम लोग जो युवा हैं अपने तरफ से सोच रहे हैं। उनको जो अच्छा लग रहा है उनको ठीक है, जो हमको लग रहा है वो ठीक है। अब इसमें ये बोलने वाली क्या बात है, जो मुकेश सहनी को वोट दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे मुकेश सहनी को? चलिए, तो आपने सुना मुकेश सहनी के आरजेडी में आने से सहनी समाज नाराज भी है और सहनी समाज कुछ सपोर्ट में भी है, आपने देख लिया है। और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या है मुद्दा इस बार, क्या चलेगा, वो भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।